फ्रेंड्स आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा तबले की बेस और चाटी की सेटिंग आप अपने मिक्सर के द्वारा किस तरह कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए तो आपको जानकारी हो जाएगी आप अपने तबले और बेस की सेटिंग किस तरह से कर पाएंगे और उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो आप अपने जो तबले बजाने वाले हैं उनको बोले आप अपनी जो तबले की क्वालिटी है वो आप अपने हिसाब से बिना माइक के एक बार आप बजा कर देख लीजिए। आपको अगर आवाज़ कंप्लीट आ रही है तो उसके बाद मैं मिक्सर से इसकी आवाज़ को आराम से सेट कर लूँगा। तो एक बार उसे बिना माइक के आप उसे चेक करवाएंगे, आप बिना माइक के ही आप एक बार बजा कर देख लीजिए तो वो एक बार अपना जो सेटिंग है तबले की जो उनके पहली गाली दूसरी गाली जो भी सेट करना है वो सेट कर लेंगे। तो उसके बाद आपको अपने माइक्रोफोन जो है आपके पास वो आपको बेस्ट क्वालिटी का ही माइक उनको लगाना है बेस और चाटी की क्वालिटी के लिए और आप इसको लगा लेते हैं। तो उसके बाद आपको जो मिक्सर से जो सेटिंग करनी है उस चीज़ का क्या करना रहेगा उसकी भी जानकारी दूंगा। और जो आप लीड काम में लेते हैं वो XLR to XLR ही काम में लेंगे तो आपको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास XLR to XLR लीड नहीं है तो आप XLR से जैक पिन भी काम में ले सकते हैं लेकिन आपको क्वालिटी थोड़ी डाउन मिलेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और आपको जो मेन कंट्रोल है उसमें आप अपनी आवाज़ को 0 पर सेट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने मिक्सर के द्वारा ऑपरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी सुनाता हूँ किस तरह से आप सेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपने ये क्लिप सुनी है इसमें अब आपको इस सेटिंग किस तरह से करनी है उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको बेस की सेटिंग दिख रही है और राइट हैंड साइड में आपको चांटी की सेटिंग दिख रही है। जहाँ पर आपको बेस की सेटिंग दिख रही है इसमें आपको लो का स्विच सबसे नीचे शो हो रहा है, इसको मैंने आधे से ज़्यादा खोला हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। इससे लो यानी बेस जो है वो ज़्यादा मिलेगा और उसके ऊपर आपको बेस का एक और स्विच मिल जाता है, इसे मैंने सेंटर से थोड़ा कम किया हुआ है। तो इस तरह से आप सेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने बेस को सेट कर पाएंगे। और उसके आप ऊपर आपको हाई और मिड के दो स्विच और दिख रहे हैं तो मिड और हाई को आपको बिल्कुल भी दो पॉइंट ही खोलना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे आपका बेस काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद आप चाटी की सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको हाई और मिड यानी हाई को थोड़ा सा सेंटर में रखना और मिड को थोड़ा सा सेंटर से ज़्यादा खोलना रहेगा आपको, यानी 6 पॉइंट तक आप खोल लेंगे। और उसके बाद आपको जो नीचे बेस का जो स्विच दिख रहा है इसे आपको जो ऊपर वाला स्विच है इसे आप पॉन खोल लेंगे और सबसे नीचे वाला स्विच है इसे आप आधा ही खोलेंगे, आधे से कम खोलेंगे यानी पाव ही खोलना है आपको, यानी 3 पॉइंट तक खोलना है। और आपको जस्ट ऊपर वाला जो बेस का स्विच है जो डबल स्विच है उसे आप अपने 7.5 तक खोल लेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी आवाज़ बन जाएगी। और उसके नीचे आपको AUX के स्विच दिख रहे हैं ब्लू कलर में, ये मैंने आपको ग्रीन कलर के स्विच के बारे में जानकारी दी। तो उसमें आपको AUX के जो स्विच है उसे आप बंद ही रखेंगे क्योंकि AUX में आपने कोई आउट नहीं दिया है, तो अगर आपने आउट दिया है तो आपको इन स्विच को खोलना होगा। और उसके नीचे जो आपको यहाँ पर स्विच शो हो रहे हैं उसमें क्या करना रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आपको जो मेन फेडर दिख रहे हैं इसको आप 0 पर सेट करेंगे और उस पर आप अपनी क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव देख पाएंगे। 0 से अगर ज़्यादा खोलेंगे तो आपको आवाज़ फटने की संभावना रहेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और पिक लेवल पर जो लाइट आती है ये भी सिर्फ ब्लिंक करनी चाहिए, रेगुलर नहीं जलनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये रेगुलर जलती तो आपके स्पीकर को नुकसान हो सकता है या आपके एम्पलीफायर को नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर आपको इको के जो वाइट स्विच दिख रहे हैं इनको आपको बिल्कुल 0 पर रखना है क्योंकि अगर इको इफेक्ट अगर मैं बेस के माइक में या चांटी के माइक में चला गया तो आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप इस वाइट स्विच को भी आपको बंद रखेंगे और उसके नीचे आपको PAN यानी रेड कलर का जो स्विच दिख रहा है इसे आप सेंटर ही रखेंगे तो लेफ्ट और राइट में आवाज़ बराबर सुनाई देगी। इस तरह से आप सेट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर वाइट कलर के स्विच दिख रहे हैं सबसे ऊपर जिसमें आपको गेन का ऑप्शन शो हो रहा है। आप इतनी सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आवाज़ कम पड़ती है तो आप गेन के स्विच को छेड़ेंगे, अन्यथा आपको अगर
हॉल में प्रोग्राम है तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसको खोलने के बाद आवाज़ काफ़ी हाई हो जाती है। तो गेन का स्विच खुले पंडाल में प्रोग्राम होता है तभी इसको खोलने की ज़रूरत होती है, और हाई पिच देनी होती है तभी इसे काम में लेते हैं, और उसके नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे, और बेस और चांटी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने जो तबले बजाने वाले हैं और जो एक साथ संगत करते हैं उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहें साउंड संबंधी या और किसी भी कैटेगरी संबंधी तो आप हमारे इस चैनल में देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।